जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य माचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय जय जय। थैंक यू। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज। आप लोग बैठ जाइए, बैठ सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। एक ओंकार सतनाम करता पूरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, जप आदि सच जुगाद सच। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब मैं स्टेज पे बोला था एक बार सेमिनार में, इसका मतलब होता है जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो हम सबको अच्छी रास्ते पे चलाए। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का भी मतलब वही है कि भगवान जो है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो हमें सही रास्ते पे चलाए। एक ओमकार सतनाम करता पूरख का मतलब भी होता है जो ऊपर वाला है भगवान, जो ईश्वर है, वो हमें सही रास्ते पे चलाए। और ये तीनों मंत्र, जो तीनों सूरे है, तीनों मंत्र है, ये कहता है कि यहां मुस्लिम है, यहां हिंदू है, यहां सिख है, सब आपस में भाई भाई है, यहां कोई भी धर्म कोई भी जाति का नहीं बैठा है। इसलिए जब आप एक क्लास के कैंपस के नीचे बैठे होते हैं, एक टीचर जब आपके सामने खड़ा होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि अरे यार मोहम्मद अब्दुल्ला सर है मेरे वाले हैं, मुकेश राजभर सर है मेरे वाले हैं, आशुतोष सोनी सर है मेरे वाले हैं, दिव्यांशी सिंह है मेरी वाली है। तो कभी भी मेरा वाला मेरी वाली ये यहां पे भावना नहीं रखने का। जब क्लास में इंसान आता है तो सिर्फ और स्टूडेंट और टीचर का संपर्क रहता है, संबंध रहता है, ना कोई यहां राजभर रहता है, ना कोई मियां रहता है, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई जाति, ना कोई बिरादरी, कोई भी हमसे इससे लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने तीनों का मतलब बता दिया। अब आप लोग अपना दिमाग पूरी तरह से सही कर लो, राइट। कहते हैं गाने से मैं शुरू करना चाहूंगा कि फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ आती है, मैथ्स पढ़ता हूं तो मैं समझ आता है, आगे बढ़ता हूं तो मंजिल नजर आती है, फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ आती है, ओ रील्स बनाता हूं तो लाइक्स कमेंट्स आती है, सेल्फी लेता हूं तो चेहरे पे स्माइल छा जाती है, ओ सुरती बनाता हूं तो होंठ नजर आता है, गुटका खाता हूं तो दांत नजर आता है, फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ आती है, मैथ्स पढ़ता हूं तो मैं समझ आता है, आगे बढ़ता हूं तो मंजिल नजर आती है। फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ आती है, मैथ्स पढ़ता हूं तो मैं समझ आता, इंग्लिश पढ़ता हूं तो इंग्लिश पढ़ता हूं तो कमान इंग्लिश पढ़ता हूं तो आती है, फिजिक्स पढ़ता हूं तो
अब ये पॉइंट क्या है, मतलब देखो फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ में आती है, मैथ्स पढ़ता हूं तो मैथ्स समझ में आता है, सेल्फी लेता हूं तो मुस्कान छा जाती है, और जब मैं रील्स बना के इंस्टा पे डालता हूं तो लाइक्स और कमेंट्स आती है। मतलब वेयर यू आर गिविंग योर टाइम, आप अपना समय कहां पे दे रहे हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताया कि भाई अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं सेमिनार करने, सेशन करने, राइट। वो कुछ आपको बताएंगे, नई चीजें समझाएंगे, तो आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था एक्सक्यूज में, जब मैं अपने क्लास में जाऊंगा जहां मैंने जो है कि शुरुआत की, जहां पे बेचारे लोग जो है कि मेरी राह देख रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था उसी पे, उसमें दिमाग काम कर रहा था मेरा कि मैं क्या बनाऊं, क्या लिखूं, क्या बताऊं, क्या समझाऊं, तो मैं उसी पे सोच रहा था। इसका मतलब फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ में आती है, मैथ्स पढ़ता हूं मैथ्स समझ में आती है, और लड़की लड़का पटाता हूं तो लड़की लड़के पटाता हूं, राइट। अब आपका दिमाग क्या है, सबसे पहले एक चीज आप लोग खोल के सुन लीजिए कि आप लोग जो यहां पे बैठे हैं, आपके जो चेहरे पे ललक है, जो माथे पे थथक है, वो ये बता रही है कि आपके मम्मी पापा का एक सपना है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, मैं भी जवान आप भी जवान, मैं भी कम उम्र का आप भी कम उम्र के। सबसे पहली बात क्या होती है, जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारे पास एक सोच आ जाती है कि यार चलो कम से कम रंगीन दुनिया है तो रंगीन दुनिया में जी लें। मैं यहां से दिल्ली तक देखा हूं, रंगीन दुनिया, हर जगह रंगीन दुनिया है। रंगीन दुनिया के साथ साथ जब आप यहां पे क्लास में बैठते हैं तो एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आप अपने मम्मी पापा का सपना लेके बैठे हो, आप अपने भाई बहन का सपना लेके बैठे हो। इसलिए आपको ये चीज समझना होगा कि आप जब यहां पे बैठे हो, आप लोग बैठे हो ना, यहां बैठे हो, ध्यान दे रहे हैं, आप ड्रेस पहन के, बैग लेके, किताब लेके, कॉपी लेके आप आए हैं। इसका मतलब इस बैग में सिर्फ किताबें नहीं है, आपके घर परिवार का सपना है, आपका सपना है, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ आगे करना है। इट मींस फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ आती है, मैथ्स पढ़ता हूं तो मैथ्स समझ में आती है, और मम्मी पापा के सपने के बारे में अगर सोचता हूं तो मुझे हर घर में, हर द्वार पे, हर एक गेट पे, हर एक पेड़ पे, हर एक रास्ते में, हर एक कदम पे, हर एक किताब के पन्ने पे, हर एक कॉपी के पन्ने पे मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का सपना दिखाई देता है, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप से यह वादा किया है कि आई विल अचीव समथिंग एंड आई विल डू समथिंग, मैं कुछ करूंगा और आप लोग के सपने को साकार करूंगा, आप लेके ख्वाब को पूरा करूंगा। मम्मी पापा उनके कदम को छुइए, उनके कदम को, उनके हाथों को चूमिए और उनसे बोलिए कि मम्मी पापा आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन आपका ये जो बेटा है, ये बेटी है, एक दिन आईएएस आईपीएस पीसीएस क्वालिफाई करके और आपके सीने पे स्टार लगा के बताएगा। अल्लामा इकबाल की एक शायरी है कि मंजिल के आगे तू मंजिल तलाश कर, मंजिल के आगे तो मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। जो दरिया पा के आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं ना, मान लीजिए आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ लिया, मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अच्छी स्पीच दे दी, आपको लगता है कि यार मेरा बड़ा जबरदस्त हो गया आज तो। क्या कर रहे हो यार, रहने दो, हेलो रहने दो, ये सब क्या पिटर पिटर कर रहे हो, अच्छा आवाज नहीं आ रहा है तो बंद कर दो। फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है क्या, मैं इस पॉइंट पे था कि अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि मंजिल के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अरे यार रहने दो, किसको नहीं आवाज आ रही है, छोड़ो। मंजिल के आगे तो मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश कर जिससे पत्थर टूट जाए। शीशा कोई ऐसा है, सजदों से तेरे क्या हुआ, जो हम लोग पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, पर जो है कि पैरवी करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। जो आप लोग हाथ जोड़ के कहते हैं ना, पूजा करते हैं, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। अरे कोई ऐसा सजदा तलाश कर जो तेरी दुनिया भुला दे, कोई ऐसी पूजा तलाश कर, पूजा में तो लीन हो जा जिससे अगल बगल कोई दिखाई ना दे, बस ओम नमः शिवाय दिखाई दे, अल्लाह अकबर दिखाई दे, गुरु नानक दिखाई दे। पूजा ऐसी होनी चाहिए और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ आपका टीचर दिखाई दे और आपकी किताबें दिखाई दे और आपके जो है कि पॉइंट्स दिखाई दे। आर यू रेडी, आर यू रेडी, एनी प्रॉब्लम? अब देखो सबसे पहले यहां पे आपके जितने भी टीचर्स बैठे हैं, आप अपने टीचरों से सीखने की कोशिश करो। मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला था लेकिन अगर बोर्ड पे कुछ लिखूंगा तो आप तक आवाज या वो चीज पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। सबसे पहले आप मुकेश सर से क्या सीखते हो, मुकेश सर से कुछ सीखते हो कि नहीं सीखते हो? क्या सीखते हो मुकेश सर से? हमेशा अगर सिधाई सीखना हो तो मुकेश सर से सीखो, ईमानदारी सीखना है तो मुकेश सर से सीखो, ठीक है? आप अपने टीचरों से सीखने की कोशिश करो, जब उनको देखो तो उनके अंदर से क्या आपको मिल रहा है वो चीज हासिल करो। इसका ये मतलब नहीं कि मम्मी हम जा रहे हैं, कहा भैया कहाँ जा रहे, अंग्रेज बनने, यहाँ आप अंग्रेज नहीं बनने आ रहे हो, क्योंकि अंग्रेजों को भी हम लथाड़ देंगे,
हाँ, अंग्रेजों को भी हम लथाड़ देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। और मैं आपको अभी मैगजीन दिखाऊं कि सलमान रुश्दी राइटर ने लिखा है जो इंडियन अंग्रेजी बोल सकते हो, दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। तो अंग्रेजी कैसी की तैसी। हाँ, मैं फ्रांस के लोगों से, चाइना के लोगों से, अमेरिकन लोगों से मिला हूं, जब मैं बोलता हूं तो सबकी बोलती बंद कर देता हूं, दैट्स इट। मैं भारतीय हूं और भारत में होने पे, भारतीय होने पे मुझे गर्व है, राइट। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप अपने टीचरों को देखिए, देखिए जीतू सर खड़े हैं, किस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, बताइए। आप कभी ध्यान देते हैं उन पे? आपको लगता है यार जीतू सर आगे क्लास में पढ़ा के चले गए, चलो कोई बात नहीं। आप उनसे सीखिए कि किस तरह से यार ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल पा रहे हैं, किस तरह से ये पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उनकी चीजों को ऑब्जर्व करिए, वो सीखिए कि किस तरह से हमेशा डिटरमाइंड रहा जाता है, किस तरह से डिवोटेड रहा जाता है। आप अपने जय सर को देखिए, नाटे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, लेकिन आप लोग को बैठा के लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश करिए। विशाल सर को देखिए कि विशाल सर जब आए थे यहाँ पे तो भूत से इनको डर लगता था। अरे ये कहते थे कि मुझे भूत से डर लगता है सर, भेजिए मत कहीं। और अभी देखिए कैमरा चला रहे हैं। ये चीजें होता है, ये चीज इंसान को आगे बढ़ाती है। और ये चीज आप सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। एक डेडिकेशन सीखने की कोशिश करिए, फ्लेक्सिबिलिटी सीखने की कोशिश करिए। आशुतोष सर से कुछ सीख रहे हैं आप लोग? आशुतोष सर से सीखने की कोशिश करिए कि जब किसी चीज का आगाज होता है, शुरुआत होती है, तो हम पूरा दिल और दिमाग लगा के पूरी नीयत से काम करेंगे, आगे अंजाम, अगर आगाज अच्छा होता है तो अंजाम बहुत अच्छा होता है। ये आशुतोष सर से सीखने की कोशिश करिए आप। अमरजीत सर जो है कि यहाँ पे जब ये लड़खड़ा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, और आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आज आप लोग को शिक्षा दे रहे हैं, उनसे ये सीखने की कोशिश करिए कि बदलाव अपने अंदर कैसे लाया जाए। आप सीखने की कोशिश करिए अल्ताफ सर से कि जो बताइए मैथ्स यहाँ इंटर का कोई नहीं पढ़ा पाता था, तो अल्ताफ सर आए, सीबीएसई और यूपी वालों को, दोनों को पढ़ाएं, और आज भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग संतुष्ट हैं। तो सीखने की कोशिश करिए बदलाव। क्या बदलाव इम्पॉसिबल है? क्या बदलाव असंभव है? बदलाव जो है संभव है। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? समझ में आ रही बात? आप रिधिमा मैम से सीखिए, जब सब जेंट्स टीचर पढ़ा रहे थे तो अकेली एक लेडी टीचर यहाँ पे पढ़ा रही थी, मतलब इसका मतलब सब जिंस के बीच में एक अकेली लड़की आ रही थी, जिस इलाके में लड़की का कोई मामला नहीं, लड़की का कोई करेजमेंट नहीं, उस इलाके में जो है कि वो जैसे भी करके यहाँ पे आ रही थी और आप लोग को शिक्षा दे रही थी। इसका मतलब हम लड़की होते हुए भी उनसे जो है कि बहुत बड़ा लेसन सीख सकते हैं, नारी जो सब पे भारी। हाँ, अच्छा इधर नहीं जा रहे, अरे नारा लोग तो आप, ठीक है कोई बात नहीं। आप जो है कि सीखने की कोशिश करिए अपने टीचरों से। समझ में आ रही बात? आप लोग सीख रहे हैं? हमेशा ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपके जो टीचर वीरेंद्र सर बैठे हुए हैं, वीरेंद्र सर के पापा की अभी जल्दी डेथ हो गई थी, हम लोग गए हुए थे और जो है कि बहुत बुरा लगा, बहुत पिटी फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सारे क्रियाकर्म को करके आप लोग को कोचिंग में आके शिक्षा दे रहे हैं। और इनसे एक चीज सीखिए कि किस तरह से शिक्षा को कंटिन्यू किया जाए किसी भी सिचुएशन, किसी भी हाल में। वीरेंद्र सर से आप सीखने की कोशिश करिए। आप जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, जितने भी अध्यापक हैं, ज्योति मैम, अंशिका मैम से सीखने की कोशिश करिए कि क्या वो लड़कियां नहीं है, क्या वो नारी नहीं है? जब ये लड़कियां जब वहां से डेली आ रही हैं, पढ़ा रही हैं, सीख रही हैं, सिखा रही हैं, जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? राइट गाइस, समझ में आ रही बात? एनी प्रॉब्लम? एनी कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम ना? तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू से टू यू ऑल दैट यू नो, इनकरेज योरसेल्फ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ्स दैट, एक्सक्यूज मी, वी आर बिजी इन टॉकिंग अबाउट अदर्स। हम लोग दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, खासकर लड़कियां और औरतें। कारे का भैल, हाँ का भैल, आज जो है कि वो मालूम है पुड़िया बनावत रहली तो पुड़िया ना बनी, अब पुड़िया बनावत रहली पुड़िया ना बनी, अरे बताओ पूड़ी का यहाँ क्या काम? अरे अगर पूड़ी का होगा काम तो आपकी जिंदगी हो जाएगी तमाम। जो घर पे पूड़ी है, सब्जी है, उसको घर पे छोड़ के आओ। जो ननद है, देवरानी है, जेठानी है, भौजाई है, उसको घर पे छोड़ के आओ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग ओपन करके आओ कि यू हैव टू अडॉप्ट समथिंग, राइट, यू हैव टू take something, right? Got this point exactly. Never talk about others. Always leave others. हम लोग फिल्म स्टार्स की बात करते रहते हैं हमेशा, हम लोग इनकी उनकी बात कर रहते रहते हैं। ओ यार जन्नत जुबैर है ना, बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन फॉलोअर, तो हम क्या करें? ये बताओ उसके 22 मिलियन फॉलोअर आपके 22 तो हैं? हैं? शाहरुख खान जब आता है तो हाथ बाहें फैलाता है तो लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। भैया वो दीवानी होती हैं उनके लिए, आपके लिए क्या होते हैं? कुत्ते दीवाने होते हैं, जरा सोचो। ठीक है, सबके लिए हो रहे हैं, सबके लिए हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं सब लोग अपना अचीवमेंट कर रहे हैं, और आप लोग उन अचीवर्स की, उन गोल कीपर्स की आप लोग क्या कर रहे हैं? ओनली टॉकिंग, सिर्फ क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। यार अब्दुल्ला सर मालूम है आते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है अच्छा पढ़ाते हैं, तो अपना अपने जेब में पैसा डाल लेना, आपको दे रहे हैं। ये बताओ पैसा जो आप लोग से कमा रहे हैं वो अब तो अपने जेब में डाल लेना,
आप अब्दुल्ला सर, मुकेश सर, जीतू सर, जय सर, या जितने भी टीचर्स हैं आपको पढ़ा रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हो? टेल मी ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताइए, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं बताइए, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, कुछ कर रहे हैं अपने लिए? जब भी उठते हैं सुबह से, दिन सुबह लेके रात तक कुछ करते हैं? कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ किया आज? नहीं। कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ किया मैंने आज? चेहरा इतना मासूम बना है, जैसे लग रहा है कि छोटे से बबुआ बन्नी बन गए हैं। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट अस, कि इफ वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, so we have to work for our creativity, because if I talk about everybody goes to school, everybody comes to coaching, sab log coaching ja rahe hain, sab log school ja rahe hain, lekin hame kaam kya karna hai, hame apne upar kaam karna hai, jaise hamare sabse upar body pe khopdi hai, khopdi jo brain hai, aap log biology mein padhe honge, brain 20% of blood, jo sharir ka 20% jo khoon hai wo blood jo hai brain consume karta hai। दिमाग ऐसी चीज होती है जो कभी भी दिन रात में कभी भी सोता नहीं, हमेशा जागता रहता है। इसको बोलते हैं अवचेतन दिमाग, जिसको बोलते हैं सबकॉन्सियस माइंड। ये हमेशा जागता रहता है, आप सो जाओगे फिर भी जागता रहता है। सपना ख्वाब देखना ही आपको समझाता है कि आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। आपका दिमाग, बताइए एलिफेंट का, अगर हाथी के दिमाग की बात करेंगे तो वो कम से कम 7 pounds का होता है। आप ब्लू व्हेल के दिमाग की बात करेंगे 14 pounds का होता है। आप और बड़े जानवरों की बात करेंगे 8 pounds, 9 pounds, 10 pounds। इंसान का दिमाग सिर्फ और सिर्फ वजन होता है 3 pounds, मात्र 3 pounds। लेकिन एक हाथी को बांधने वाला इंसान ही है, एक हाथी को बांधने वाला इंसान है, एक ब्लू व्हेल को पकड़ने वाला भी इंसान है। इसका मतलब ये 3 pounds इज इक्वल टू अनलिमिटेड pounds, 3 pounds इज इक्वल टू अनलिमिटेड pound। ये तो 3 pounds की खोपड़िया ऊपर है, इसका मतलब ये बहुत ही क्या है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही जबरदस्त है। ये जो दिल है, दिल में दो तरह की चीजें होती है, एक पंपिंग करता है, एक इमोशन होता है। और आजकल पंपिंग वाला जमाने छूट गया, कहा हुआ दिल टूट गया। और आजकल तो जितनी जल्दी जो है कि ट्रेन नहीं छूटती, उतनी जल्दी जल्दी दिल टूट रहा है। समझ रहे हैं बात ना? दो काम है इसका, एक बायोलॉजिकली। अच्छा, तैयार हैं एवरीबॉडी, हम तैयार हैं, गिरेंगे संभलेंगे, बोलो गिरेंगे संभलेंगे, फिर से हम चलेंगे, हम तैयार हैं। उधर रोडवा पे कहो तैयार हो रहे हो, ठीक है, तैयार इधर देख के बोलो मैं तैयार हूं, पता का चले उस पे देख रहे हैं, अच्छे ठीक है हम तैयार हैं, अब हम आ रहे हैं, रुको, अरे ठीक है, हम तैयार हैं, हम बेकरार हैं। अच्छा, बेकरार किसके लिए हो, किसके लिए हो बेकरार? पढ़ाई के लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है, कुछ और मत बोलना, ठीक है, अभी कैंपस में बैठे हो, हैप्पीनेस के। और एक चीज, छोटी सी बात, जब आप लोग यहाँ पे आओ, मालूम है यहाँ पे आओ तो एक लगना चाहिए सिस्टम कि भैया कोई आ रहा है पढ़ने, किसी कैंपस से निकल रहा है। मैं देखता हूँ, हे सुन सुन, हे रविया, रविया सुन, अरे मेरे भाई ये बताओ कहाँ से निकल रहे हो, थोड़ा सोचो, बाहर वाले देखेंगे क्या कहेंगे, अरे रमेश सुन सुन, अरे सुन, ठीक है, खराब लगता है, समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा उस चीज पे भी काम करेंगे, ठीक है। आप गर्दन झुका के मत बैठिए, गर्दन उठा के बैठिए, गर्दन उठाने वालों का ही इज्जत है, ओके, ठीक है। पहले घूंघट वगैरह आता था ना, डाल लेते थे, अभी तो है हट गया ना, देखिए सब बिना घूंघट के बैठे, कोई घूंघट में बैठेगा? चलो, यहाँ तो मैं कुछ लिखने वाला था, लेकिन लिखने से कोई मेरा फायदा नहीं होगा, आप लोग को दिखेगा ही नहीं। मैं आज आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला था बोर्ड, लेकिन वहां तक नहीं दिख पाएगा, मेरे ख्याल से नहीं दिख पाएगा ना, हाँ ठीक है। कितना बज रहा है, एक सेकेंड, अच्छा। और एक चीज जरा और सोचिए, जैसे यहां सबसे पहली बात तो सब लोग आए, वो बहुत अच्छा काम किया आप लोग, राइट। दूसरी चीज, हमारे मन में ये चीज खटक रही रहती है, अभी अभी बहुत से लोग इसमें बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे, अरे यार ओ, हमारी कोचिंग क्लसवा है, हमें वहां जाना है, स्कूलवा जाना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं 8 के बाद से, ये मैं नहीं कह रहा हूं क्लास मत जाओ, 8 के बाद से मैं कभी क्लास नहीं गया, 8 के बाद से मैं कभी क्लास नहीं पढ़ा, और 9 में जब था मैं कोचिंग खोल दिया था। जब आपको कुछ नया सीखने को मिले,
तो थोड़ा कहीं कहीं जो डेली चल रहा है उसमें लेट भी हो जाओ, उसको छोड़ भी दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ हैप्पीनेस में, कहीं भी मिले, दुनिया के किसी भी कोने में। अच्छा बताओ, दिल्ली का फालतू में जा रहा हूँ, ट्रेन का टिकट लगा के आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्या फायदा मेरा? क्योंकि नया सीखना बहुत जरूरी है। ये भीड़ तो हर जगह लगी, वहां देखो वहां भी भीड़ है। बाबा बैजनाथ में गए, बाबा बैजनाथ में भीड़ है। अष्टभुजी स्कूल है, वहां भीड़ है। न्यू मार्टन है, उधर भीड़ है। माँ दुर्गावती भीड़, भीड़ हर जगह है। हैप्पीनेस में भीड़ है, तो भीड़ में तो सब चल रहे हैं। उस भीड़ में से कोई अनोखा निकल रहा है क्या? कोई अनोखा निकल रहा है? आज हैप्पीनेस की टीचर्स की, मैं आपको एक चीज जेन्युइन बता रहा हूं, हैप्पीनेस के स्टूडेंट्स की स्पीच, आपको माँ कसम, ये देखो गले पे उंगली रख के खा रहा हूं, हैप्पीनेस के स्टूडेंट्स की स्पीच मैं दिल्ली में दिखा के एडमिशन लेता हूं। सोच लो आप लोग कितने कीमती हो। हैप्पीनेस के स्टूडेंट्स की स्पीच मैं दिल्ली में दिखा के वहां एडमिशन लेता हूं और दिल्ली वाले इंप्रेस हो जाते हैं, क्या स्पीच दे रहा है। जब मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका, छोटा सा नगर मार्टिनगंज के गांव के लड़के हैं, आंखें टकी की टकी ऐसे निकली रह जाती है, गांव के लड़के। तो मैंने कहा लो देखो, मिट्टी देखो, धूल देखो, ईटा देखो, बाहर बनी हुई है कितनी वीडियो, और उससे जो है लड़के एडमिशन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है? कुछ अनोखा हो रहा है, समझ रहे हैं? कुछ अनोखे के लिए तैयार है आप लोग? तैयार है। क्या नाम है आपका? काजल। लगाती हैं? नहीं लगाती? काजल नहीं लगाती? चल कोई बात नहीं। अब एक चीज, हम सबसे पहले एक चीज पे आ जाते हैं। देखो थोड़ा सा आप लोग का टाइम और लेंगे, राइट? अभी हम लोग की कल स्पीच सेशन है, इसी के लिए मैं ये चीज किया था कि आपका स्पीच सेशन कहीं आप लोग आसानी से ना ले लो, उसको इजी ना ले लो, बड़ा दिक्कत होती है। देखो मोटिवेशन का कोई बहुत बड़ा शौक नहीं है, मोटिवेशन आप लोग को इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग अपने अंदर का जो दबा कुचला हुआ ना, वो थोड़ा सा उसका आपका जो रोमांच है, रोमांच मतलब समझ रहे हैं, रोमांच नहीं बोल रहा हूँ, रोमांच जो अंदर जो आपका मन जो है दब गया है उसी को उठाने का काम कर रहे हैं बस हम लोग, निकालने का काम। और कोई ये नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये वो, कुछ नहीं ऐसा। अभी आप लोग से जैसे मोटिवेशन खत्म होगा आप लोग से मैं मिलना चालू कर दूंगा पर्सनली, कोई घमंड वमंड तो नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एपीजे अब्दुल कलाम का 3 वर्ड्स मैं अक्सर याद करते रहता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले आप क्या लो, ज्ञान जो आपके सारे टीचर्स दे रहे हैं, फिर उसको क्या करो, अंडरस्टैंड करो। लेकिन आप लोग के अंदर मालूम क्या है, इन्फॉर्मेशन ले लिए। आज जीतू सर पढ़ाए, डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। आप इन्फॉर्मेशन ले लिए, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं कर पा रहे हो। मैं बता रहा हूं कि एक स्पीकिंग का हैप्पीनेस का बच्चा ट्रांसलेशन में कभी नहीं फेल हो सकता अगर वो सही से 3 महीने का कोर्स कर ले तो। अगर सही से कोर्स कर ले तो ट्रांसलेशन में कभी नहीं फेल हो सकता। लेकिन आप लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या है, इंप्लीमेंटेशन। क्या है? इंप्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने मीटिंग एटिकेट सीखा, अब मीटिंग एटिकेट को मैं क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, लागू करूंगा। हाय लेडीज एंड जेंट्स, माय गुड मॉर्निंग, ऑलराइट, हाउ आर यू। अब मैं इसको देखो, ये दिखाओ, मार्टिनगंज में दिखेगा नहीं कंधा, कंधा तो सबका लूज पड़ा है। का हेलो, अरे भैया बहुत दिक्कत बा, मतलब दिक्कत सबको है लेकिन कंधा यहां दिखाओ। हाय बोलो, हाय, हेलो, हाउ आर यू, फाइन, वेल, राइट। अब देखो दो चीज बताऊंगा, एक कंधा अगर आपका लूज है तो इसका मतलब आप बीमार हो, परेशान हो, और कंधा आपका थोड़ा ऊपर गया इसका मतलब अच्छे हो। कंधा जितना ऊपर जाएगा उतनी आप अच्छे, लेकिन इसको खींच के दीवार में मत टच कर देना, नहीं तो कहेंगे कि ठीक है पोलियो की बीमारी हो गई है। अरे समझ रहे हैं ना। अब मैं इंफॉर्मेशन पे बात कर रहा था, इंफॉर्मेशन की बात अगर मैं करूं, आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जो है कि पहले पढ़ नहीं पाते थे, सारी चीजें नहीं कर पाते थे। उनका बीए में इंग्लिश में स्कोर आया 50%, सिर्फ कितना आया 50%। लेकिन जब वो शिकागो में अमेरिका में बोलने लगे तो अच्छे अच्छे कांपने लगे और सब लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। क्यों मालूम है? उन्होंने सिर्फ एक चीज जानी कि मेरा इंफॉर्मेशन, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरा इंप्लीमेंटेशन, 3 चीजें लागू किए और आज स्वामी विवेकानंद बन गए। जब सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे तो एक लाला के पास गए, लाला से कहे कि जरा मुझे दे दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए, मुझे यूनिवर्सिटी लॉन्च करना है, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट करना है। तो लाला ने ऐसे थूक दिया उनके हाथ पे, करा थूक, यूनिवर्सिटी बनाओगे जो है कि। और जब लाला ने थूका तो वो थूक लेके वो जेब में रख लिए,
सर सैयद अहमद खान इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के चांसलर, इतने बड़े यूनिवर्सिटी के फाउंडर थूक को रख लिए। लाला बड़ा परेशान हो गया। लाला ने पूछने लगा, अरे सर सैयद भाई आपने मेरा थूक क्यों रख लिया जेब में? कहे आपने तो ये भी दिया, कुछ लोग तो वो भी नहीं देते, इसलिए मैंने आपके थूक को संभाल के रखा। और उसके बाद उस वक्त में बताइए 1920 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1920 में एस्टैब्लिशमेंट एमयू का हुआ था। उस वक्त 2 लाख रुपया लाला ने दिया था इंप्रेस होके कि यार सर सैयद अहमद खान क्या आदमी है यार। ठीक है, अब जरा सोचिए कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी में इंडिया में 8वें नंबर पे आती है, टॉप 20 रैंक करती है। बीएचयू मदन मोहन मालवीय जी, आपको क्या लगता है ऐसे बीएचयू बन गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? नहीं, उनके पीछे उनका डेडिकेशन है, उसके पीछे वो कितना चले होंगे, कितना उनका पैर दुखा होगा, कितने उनके दिमाग दिखोगे, कितना उनको परेशानी हुई होगी। आज बीएचयू में हम जाके एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं कि हमारा बीएचयू में एडमिशन हो जाए और हम जाके वहां पे पढ़ना चाहते हैं। आप ये सब चीजों पे सोचिए। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी, आज हम जीवनी पढ़ते हैं तो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं सिर्फ उनकी जीवनी पढ़ के। जब सोचिए जीवनी पढ़ के हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम कोई नॉर्मल इंसान थे? कोई आम आदमी थे वो? जब उनकी जीवनी पढ़ के हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। इसलिए क्या करना है आपको, क्या करना है इंफॉर्मेशन, क्या करना है इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग इंप्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग इंप्लीमेंटेशन। रेडी गाइस? तो बोलिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन। चलो समझ में आ गई बात? एनी प्रॉब्लम? मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? सर सैयद अहमद खां का। मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? स्वामी विवेकानंद का। मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? एपीजे अब्दुल कलाम का। एक एग्जाम्पल और सुनो, यही बनारस की नगरी में कबीर दास बैठा करते थे, जहां पे कबीर दास एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, सब पंडित रहते थे, सब हिंदू रहते थे। क्या कबीर दास को कभी कोई सताया, कोई परेशान किया? इस मार्टिनगंज में मुस्लिम लड़का कोई शिक्षा में नहीं आया, कोचिंग नहीं खोला। अब्दुल्ला ने कोचिंग खोल के आज 400 लोग को बैठा के यहाँ पे शिक्षा दे रहा है। क्या मुस्लिम पहले कोई यहाँ पे शिक्षा का काम किया था? कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है? इसका मतलब धर्म और जाति से कुछ नहीं होता। अच्छा ज्ञान दे दोगे तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई जाति बिरादरी को, आपके लिए ताली बजाएगा। भाई समझ में आ रही है? कबीर दास उस वक्त कह दिए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होई बहुरी करोगे कब? बताओ उस वक्त उन्होंने बोल दिया। उस वक्त जो है कि सर सैयद अहमद खान ने, मिर्जा गालिब ने बोल दिया कि ये चांद तू इतना ऊंचाई से इतना क्यों इतराता है, ये चांद तू इतनी ऊंचाई से इतना क्यों इतराता है, तुझे ये नहीं पता कि तू जमीन से भी नजर आता है। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बात जो उस वक्त उन्होंने बोली थी आज हम पे लागू होती है। आज थोड़ा सा तो बाइक निकलवा लिए तो इतना फूल माला डाल के चलेंगे, कहा भैलो अरे स्प्लेंडर पुरो निकलवाए। अब स्प्लेंडर पुरो से ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज निकाल के बैठे हैं हम। ठीक है, इतना घमंड इंसान के अंदर। इंसान सिर्फ और सिर्फ अगर पीछे है, सिर्फ अपने घमंड की वजह से। जिस दिन आपके अंदर अहंकार आ गया, ए चांद तू इतना क्यों इतराता है, तुझे नहीं पता कि तू जमीन से भी नजर आता है, ए चांद आप लोग चांद हैं, ए चांद तू कितना भी ऊंचाई पे चला जाएगा फिर भी अपने माता पिता के कदमों में तू नजर आएगा। छोटी छोटी है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी जुबान से क्या शब्द निकल रहे हैं, मैं ज्यादा तैयारी करके भी नहीं आता सिर्फ, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि मेरी जुबान से हो सकता है निकला हुआ शब्द, निकला हुआ अल्फाज आपके दिलों में जाके बैठ जाता है, चुभ जाता है। Am I right or wrong? So that's why शब्द are very important, words are very important, sentences are very important. When you speak, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कल जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे नहीं पता स्पीकिंग वाले कितने बैठे हैं, कल जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे आपका एक एक शब्द दिल में चुभना चाहिए। चुभने का मतलब कि सुई की तरह नहीं, गुलाब की तरह लगना चाहिए कि क्या शब्द आ रहा है यार, क्या वर्ड्स आ रहे हैं, क्या तलफ्फुज़ आ रहे हैं, इस पे आप काम करेंगे। काहे परेशान हो भैया? अच्छा आ जाओ, आ जी, ठीक है कुछ मिनट आपका और। अच्छा बारिश हो रही है तो देखो, अब ये छोटी छोटी बातें जो है आप समझ रहे हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, सारी बातों का आप ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें, मैं मेरा क्या है, मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूं कि हमेशा अपने ऊपर काम करने की कोशिश करिए, क्रिएटिविटी पे काम करने की कोशिश करिए, अपने अंदर की कला को पहचानिए। अब आपको पता है कि मान लो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग कभी शायरी लिख दिए,
जी तो सर यहाँ पे बहुत बड़े पोइट हैं, पोइट्री लिख देते हैं, एमडी साहब की भी पोइट्री आती है, आशुतोष सर भी राम सीता जी का लगाते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वीरेंद्र सर का कुछ अलग जलवा है, अल्ताफ सर का जलवा है, सबकी एक अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। अब आप जरा सोचिए कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है या नहीं है। ये तार है, क्या है, वायर, इसको मुंह में डाल लो, क्रिएटिविटी है नहीं, ये बेवकूफ़ी है। अरे तो उसी तरह से हमें क्रिएटिविटी, अब ये कार तार को वहां सटा के और मैं दोनों में लाइट जला दूं, अब ये क्या है, क्रिएटिविटी है। इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम पे मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे मालूम है सबको जाके लाइक कर रहा हूं, अरे यार लाइक कर रहा हूं, अब ये मैं क्या कर रहा हूं, यही मुंह में छुआने जैसा है सबको, खाली मैं क्या कर रहा हूं, काम मेरा क्या है, मेरा दिन रात कोई काम नहीं है, इंस्टा पे स्लाइड करना लाइक ठोकना, स्लाइड करना लाइक ठोकना, यार इनकी रील है, स्लाइड लाइक, स्लाइड लाइक, कोई काम नहीं। अच्छा जब उनसे पूछो कि भैया क्या करते हो, इंस्टा पे लाइक ठोकते हैं, क्या करते हो, आपका काम क्या, प्रोफेशन क्या है, अरे हम सबकी फोटो लाइक करते हो, कमेंट भी करते हैं, क्या कमेंट और लाइक से आएगा मजा, कमेंट और लाइक से आएगा मजा, नहीं, जो काम लायक उस पर लाइक कमेंट ठोक के भागो उधर से। इंस्टा फेसबुक पे एक्टिव रहो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कला दिखाने के लिए एक्टिव रहो, ना कि किसी को लाइक और कमेंट ठोकने के चक्कर में रहो, जिंदगी बर्बाद होके घास हो जाओगे, ये घास, और घास पे चरेंगे जानवर, वही आप लोग की हाल पड़ी रहेगी, आके कभी गधा चढ़ जाएगा, कभी गाय चढ़ जाएगी, कभी बैल चढ़ जाएगा, समझ में आ रही है बात। इंस्टा फेसबुक यूट्यूब आज से और अभी से अगर यूज होगा तो कला के लिए यूज होगा, ना कि खाली लाइक और कमेंट ठोकने के लिए यूज होगा, समझ में आ रही है बात, व्हाट दिस पॉइंट, ओके। अब देखो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं तो आपको, मैं आपसे ये कह सकता हूं, अरे यार मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो ना यार, थोड़ा लाइक क्या करो, मत करो यार, छोड़ो, हटाओ, लाइक करने से कैसे का पेट भरेगा, अपने ऊपर काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। बाकी मुझे पता है कि सब्सक्राइबर जो आए हैं आप ही लोग से आए, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि मुकेश सर ने सबसे करवाया था, और नहीं करोगे तो पटक के मारेंगे, पहले बता दे, ठीक है, हाँ, कहे कि जिस कोचिंग में पढ़ते हो उस कोचिंग का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे, करो, काम लायक चीज हो देख लो, काम लायक ना हो मस्ती करके अपना निकल लो, समझ में आ रही बात। एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, कोई चीज आप पूछना चाहते हो, अभी जैसे मैंने पिछली बार आप लोग के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, दफा 302, दफा 307, दफा 306, दफा 365, दफा 395, दफा 396, ये सारी चीज़ आप लोग देखे थे। अब ये कहेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना जाएगा, मैं एमडी सर से पूछा, मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट पे वीडियो बना दो, तो कह रहे हैं सर यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट वाला दिखाई देता है क्या, यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट की वीडियो देखेगा, मैंने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट की नहीं देखेगा, कम से कम हाई कोर्ट की देखेगा, फिर उन्होंने कहा हाई कोर्ट की भी नहीं देखेगा, मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, कहे नहीं, तो फिर मैंने पूछा, कह रहे महुजा कोर्ट की देखेंगे वीडियो खाली है, अरे तो महुजा में हम लोग एक नया कोर्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, जहां पे आपकी जो बाहर आप भागते हो, जो अरे गुंडई करते हो, उस कोर्ट में आपका फैसला होगा, और अगर उस कोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके लिए एक बंबू आएगा और वो पीटा जाएगा उसी से, ठीक है। तो खैर हंसी मजाक की बात है, आप लोग के कुछ सवाल हो तो पूछ लो, अभी कल टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, कल डायरेक्ट हम स्पीच सेशन चालू करेंगे इंग्लिश, इंग्लिश वालों का, स्पीकिंग वालों का। कुछ पॉइंट्स आप पूछना चाहते हैं, डू यू वांट टू आस्क समथिंग, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क आप पूछ सकते हैं जी, एनीबॉडी। अब इतनी भीड़ बैठी है, सबके मन में डर है, हिचक। अब देख लीजिए 500 400 लोग हैं, लेकिन सबके मन में क्या है, डर है, पूछना सब चाहते हैं, पूछ कोई नहीं पाएगा। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी उठ सको तो उठो, सवाल पूछ सकते हो तो पूछो। बने बनाए साचे हैं, एसएससी बैंकिंग 12 बीए बीएससी, बने बनाए साचे हैं, बने बनाए साचे हैं, जो ढल सको तो चलो, सफर में धूप होगी जो चल सको तो चलो। अरे तो सफर में हमेशा धूप छांव लगी रहती है, अरे व्हाट दिस पॉइंट। और एक मैं अक्सर बोलता रहता हूं आप लोग के लिए कि तू खुद की खोज में निकल, काजल तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वहां देखो लिखा हुआ है सोनम आईपीएस, जो भी सोनम होंगी, वहां देखो लिखा है रमेश आईएएस, उधर नहीं, मैं मैडम के शटर की बात नहीं कर रहा हूं, अरे ठीक है ठीक, ऐसे सारी चीजें आपके लिखी हुई है सामने, लिखी हुई है ना, yes. आपका क्या नाम है, नितेश, देखो लिखा है नितेश बोलेरो ड्राइवर, देखो उधर क्या आपके माथे के सामने क्या लिखा है,
कुछ नहीं लिखा है, आपके माथे के सामने क्या लिखा है? बैंक मैनेजर बनेंगे, देख लीजिए बहुत। आपके माथे के सामने कुछ नहीं लिखा है, इनके माथे के सामने हम तो हमारे बीच लिखा है, ठीक है। आपके माथे के सामने डॉक्टर, आपके माथे के सामने लुटेरा डॉक्टर, आपके माथे के सामने डॉक्टर आईएएस ऑफिसर, वेरी गुड। तो ये पगड़ी बांधने में आईएएस, आपको लगता है कि आईएएस पगड़ी बांधेंगे? नहीं, ये अभी बांध रहे हैं, राइट, ठीक है। और ये गमछा वमछा मार के जो आप लोग आते हो ना यार, ये सब बंद करो। तो कुछ लोग गमछा मार के गुड मॉर्निंग सर, अरे मेरे भाई पढ़ने आ रहे हो, गमछा मार के आ रहे हो, अरे तो थोड़ा सा ठीक है। बाकी ये पगड़ी चलेगी, पगड़ी ठीक है, अभी हो सकता है आप टकला बनवाए होंगे, अच्छा ठीक है। और गमछा वाला कोई नहीं है ना? क्या भाई राजकुमार, हाउ आर यू? आपके माथे पे क्या लिखा है? आईपीएस लॉयर, क्या लिखा है? कुछ नहीं, डॉक्टर। चलिए बस हम लोग अब सेशन को समाप्त करेंगे, कि सेशन कितना हो गया? 38, ठीक। आप लोग का देखिए इंग्लिश वाले, बाकी कोचिंग वालों का कोचिंग चल रही है, और मैं आपसे सवाल पूछने के लिए कहा था, आपने नहीं पूछा, इसका मत। हाँ, डू यू क्राई? शाय? यस यस, आई शाय। जब रिश्तेदारी जाते हैं ना, वहाँ रिश्तेदारी में जब शादी होती होती है, वहाँ लड़कियाँ रहती हैं, बहुत शर्म आती है। बहुत शर्म आती है, काहे कि वहाँ खाना वाना भी नहीं खा पाते, वो सब झाँकती रहती हैं। अच्छा खा रहे हो, खाओ जरा, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। साई फिर शाय, यस आई हैव रिमूव्ड, एंड हाउ टू रिमूव? बी फ्रैंक, बी ओपन, और थिंक अबाउट यू दैट यू आर वेरी स्पेशल, आप बहुत खास हैं। अभी हम लोग जहाँ जाते हैं, सब लोग मालूम है, जय सर, तो अभी हम लोग जहाँ जाते हैं मालूम, बड़ा ठाट बाट के साथ जाते हैं, और हम लोग की बड़ी गजब तरीके से सेवा होती है, कहें कि हम लोग शर्माते नहीं। ए पनीर लाओ, ए गुलाब जामुन चाहे इधर लाओ, अरे और सबसे ज्यादा देखिए बीच में जो खड़े हैं आपके मैनेजर सर, एक बार हमसे कंपटीशन किए थे, कह रहे थे कि मिठाई देखते हैं कौन ज्यादा खाता है, तो हम 16 ठोखाए थे या 9 ठोखाए थे, हम शर्माते नहीं है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अगर पेट देखा जाए तो आपका ज्यादा है, है ना? कोई और सवाल, कुछ और पूछना? यस दीपक साहब, सॉरी, मेरी तरह मत बनो, मैं बेकार हूं, मैं खाली बोलता हूं बस, कुछ है नहीं मेरे अंदर, मुझसे अच्छा बनो आप, ठीक है। डोंट बी कॉपीकैट, किसी की नकल मत बनो, खुद की अकल से कुछ बनो। ऑलराइट, तो किसी की नकल बनने की कोशिश मत करो, बस एक चीज बोलूंगा, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे काम करिए, दैट्स इट, अपने आप पे काम करिए, राइट। नचनिया दो तरह के होते हैं यहाँ पे, नचनिया दो तरह के होते हैं, एक तो ढोलकिया पे नाचता है, अब वो नाच रहा है, कोई आया 10 रुपए हाथ पे रख दिया, अब वो नाच रहा है, ठीक है, वो नचनिया है, उसको 10 रुपया मिला, 20 रुपया, 90 रुपये टोटल मिलेगा। और एक नचनिया है, एक डांसर है, जो नच बलिए पे डांस कर रहा है, जो डांस प्लस डांस पे कर रहा है, जो डांस इंडिया डांस पे, आप कौन से नचनिया हो? आप कौन से नचनिया हो? अगर हम लोग भी चाहते, ये बताओ कि इतने लड़के कम है कोचिंग में, बताओ दिल्ली खोलने का क्या फायदा, बर्दा खोलने का फायदा, यहाँ हम लोग प्लान बना रहे हैं बिहार में खोलने का सर, पटना में। अच्छा खोलने का क्या फायदा है हैप्पीनेस को? अच्छा चल रहा है, पैसा वैसा आ रहा है, आराम से कमाए, नहीं, डांस इंडिया डांस पे करना है, या तड़ तड़ से अरे ये वाला नाच करना है, हम लोग ये वाला नाच कभी सीखे ही नहीं, राइट। 10 रुपए वाला नाचेंगे नहीं, 1,00,000 रुपए वाला नाचेंगे, तो 1,00,000 रुपए वाला नाचिए दीपक सर, ऑलराइट, 1,00,000 रुपए वाला डांस करिए, 1,00,000 रुपए वाला, ओके। एंड एनीथिंग यू वांट टू आस्क? देखिए आप लोग को छोड़ देंगे बस 5 मिनट और, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? दिस इज अ सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन एवर देर इज सेमिनार फॉर एग्जाम्पल, देर इज एनी सेशन, व्हेन आई कम आई डोंट ईट एनीथिंग, आई फील ओ माई गॉड हेजिटेशन, मुझे भी हेजिटेशन होता है, घर पे मैं कुछ नहीं खा पाता हूं, एनर्जी में कोई कमी है?
नहीं कमी है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपको लव में दिखेगी, जहां लव होगा। आप कभी भी जिस चीज से मोहब्बत है, जिस चीज से प्यार है, उसके सामने आप कभी सुस्त नहीं रह सकते। अगर किसी भी लड़की के सामने, आप अपनी महबूबा के सामने गए हुए हैं और आपको उससे बे इंतहा प्यार है, तो कभी उसके सामने आप सुस्त नहीं रह सकते हैं। जबरदस्ती मुस्कुराएंगे, लेकिन मुस्कुराएंगे राइट। हाँ यार तुम सही कह रही हो, तुम मुझे जानती नहीं क्या, मैं बहुत स्टाइलिश हूं। ठीक है, आप वहां पे अपनी स्टाइल मारोगे ही मारोगे, ठोकोगे, क्योंकि आपको उस महबूबा से मोहब्बत है। और जब आपको इस स्टेज से मोहब्बत हो जाएगी, कभी ये स्टेज सूना नहीं लगेगा, हमेशा इसमें आवाज गुनगुनाती रहेगी। समझ आ रही बात? लव योर टास्क, मोहब्बत करो बस। लव योर सेल्फ, लव दैट टास्क, लव दैट वर्क, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आर यू रेडी टू लव? नहीं नहीं, बिल्ली से नहीं, मैं कान से बोल रहा हूँ। That's great. Fall in love that, with that, right? Thank you very much. Okay, two more questions. Yes. Yes. So my name is Vikas Gudam. So my question is that how to bounce back failure to success? Oh my God. First of all, I am not successful. पहले तो मैं बता दूँ कि I'm not successful. हम लोग सफल नहीं हैं. हम सब लोग सफल नहीं हैं. पहले बता दें. आप लोग बहुत बड़ा हम लोग को सफल उफल मानते होंगे. हम लोग सफल उफल नहीं हैं. But एक चीज बता सकते हैं कि when you fall down, for example, in COVID-19 lockdown, we were fully finished. उधर हम लोग एक रूम में थे, बता रहे हैं, उधर वो बिल्डिंग में चले गए थे, एक रूम में खाली। राव मुकेश सर कहाँ है? वे रूम में बैठे हैं। अब्दुल्ला सर कहाँ है? वे रूम में बैठे हैं। अजय स्टूडेंट कहाँ पढ़ा है? वे रूम में पढ़ रहे हैं। अजय कंप्यूटर स्पीकिंग वाले कहाँ है? वह रूम में है। एक के रूम में कुल थे और मार कर ले रहे थे। आप सेम है विशाल सर, अलग प्रॉब्लम है सर, हमारे कंप्यूटरों में आप बैठे हैं। हाँ, ये है लॉकडाउन में हम लोग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। फिर से देख लो, तो फेलियर टू सक्सेस। अगर हम लोग क्वालिटी वहीं छोड़ देते, टीचर तिखड़ बिखड़ हो जाते। टीचर लॉकडाउन में सबको प्रॉब्लम हुई, सबके घर पे दिक्कत थी, हर चीज की प्रॉब्लम हुई, लेकिन टीचर पूरी टीम देख सकते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े आज तक कोई टूटा नहीं, देख लीजिए, सब लोग सामने खड़े हैं। इसका मतलब जो हैप्पीनेस से जुड़े हैं वो खड़े हैं, और जो खड़े हैं वो जिंदगी में लड़े हैं, और जो लड़े हैं जिंदगी में वही हमेशा आगे बढ़े हैं। थैंक यू सो मच। सो वर्क ऑन दैट, उस चीज पे काम करना है, एंड ये जो धक धक कर रहा है उसको सही करना है, मजबूत करना है राइट। अभी एक छोटी सी चीज, जैसे आप लोग को, बहुत से लोग को मैं वहां दिल्ली में जब सर्वे कर रहा था, सर यहां मत खोलिए, दिल्ली में बहुत कंपटीशन है। अरे आप गांव से आए हैं, यहां दिल्ली में चलाएंगे आप? मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है सेंटेंस कि यहां बहुत कॉम्पिटिशन है, यहां आप नहीं कर पाएंगे, दिल्ली में खोल दिए। मात्र बता रहा हूं, एक लड़की सिर्फ वापस गई, वो भी कहीं उसको जाना था, चली गई उत्तराखंड। जितने भी लोग आज तक मेरा डेमो दिल्ली में लिए हैं, बिना एडमिशन के कोई नहीं गया, सब लोग एडमिशन करवाए हैं, जितना भी लोग ट्रायल क्लास लिए हैं। अब इसका मतलब ये समझ रहे हैं, वेयर देर इज कॉम्पिटिशन, जहां पे कॉम्पिटिशन होता है वहीं पर आप अपनी क्वालिटी दिखा सकते हो। तो हमेशा कॉम्पिटिटिव फील्ड चुनो, और सुनसान मैदान में जाके क्या करोगे जहां कोई है ही नहीं। जौनपुर इंस्टीट्यूट से हर हफ्ते 5-6 कॉल आती है, ये तो हम लोग जौनपुर के लिए सोचिए। और हम लोग वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी, बंद कर दिए, थोड़ा स्टॉप कर दिए, तो ये सोच लीजिए सिर्फ क्वालिटी की वजह से आती है, बस क्वालिटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आर यू रेडी टू वर्क ऑन योर क्वालिटी? आर यू रेडी टू वर्क ऑन योर क्वालिटी? जल्दी बताइए, आर यू रेडी, तैयार है? तो कौन बनेगा इसमें से ब्यूटी पार्लर वाला? कोई नहीं बनेगा? हाँ? कोई नहीं बनेगा? अच्छा, कोई बनेगा बार्बर सैलून वाला? कौन बनेगा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर? लड़कियां ज्यादा है। स्पीकर है, इंग्लिश वाले पक्का, और कौन सी बैच वाले, साथ वाले लग रहा है। अरे कंप्यूटर, लास्ट चीज, मैं थोड़ा सा ये भी आप रख लो, अभी हमें दे दीजिएगा लास्ट चीज। सॉरी आप लोग का ज्यादा टाइम मैं ले रहा हूं, सॉरी उसके लिए। ये देखो, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज द नीड ऑफ द आर। अभी जो जरूरत है मार्केट में, यहां से लेके दिल्ली और बैंगलोर की, मेरा कोई कहना नहीं है, देखो मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ एडमिशन के लिए, कहे कि ज्यादा एडमिशन हो, अरे लेकिन ये क्या है, ये खुद द टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है
कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज द नीड ऑफ द आर. इफ यू आर इंग्लिश एक्सपर्ट, इफ यू आर इंग्लिश स्पीकर, इट मींस यू आर गोइंग टू जस्ट मेक योर सेल्फ इन दैट कम्युनिटी वेयर यू कैन ग्रो योर सेल्फ, जहां पे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. एक आर्टिकल मेरे पास कंप्यूटर का भी था, उसमें दिया था कंप्यूटर जो अगर जानता है. अब कंप्यूटर क्यों जानता है, मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा, कोई बात नहीं, छोटी सी चीज बताऊंगा, 9 लोगों का एग्जांपल दूंगा, सुनिएगा जरा गौर से, बस बस 2-3 मिनट और. जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, अर्नोल्ड बर्नोल्ड अर्नोल्ड, उसके बाद आपके जो है कि ये फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, उसके बाद आपके ये बिल गेट्स, और फिर उसके बाद आपके लैरी पेज, और फिर आपके जाके वो वॉरेन बफेट, फिर मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी. अब मैं ये सारी चीजें, ये सारा नाम क्यों ले रहा हूं, थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ, सब लोग घर पे बैठे थे, कंप्यूटर के लिए बता रहा हूं, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट, लॉकडाउन था, सब लोग घर पे बैठे थे, सब लोग घर पे थे. 541% टेस्ला कंपनी में ग्रोथ हुई है, टेस्ला में, जिसके फाउंडर कौन है, एलॉन मस्क. 541% ग्रोथ हुई है. गौतम अदानी का 855% ग्रोथ हुआ है, लॉकडाउन की बात कह रहा हूं, जब से कोरोना आया है. मुकेश अंबानी का 165% ग्रोथ हुई है. अजीम प्रेम जी की 342% ग्रोथ हुई है. बिल गेट्स की 65% ग्रोथ हुई है. अर्नोल्ड वर्नोल्ड की जो हुई है वो लगभग जो है कि 243% की ग्रोथ हुई है. इसका मतलब जब सब लोग सो रहे थे तो कंप्यूटर वाले जाग रहे थे. अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर का नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो जब सब सोएंगे, जब लॉकडाउन आ जाएगा, तो आप बैठ के एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे, आप बैठ के डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे होंगे, और आपके यहाँ घर पे पैसे आ रहे होंगे. इसका मतलब कंप्यूटर जरूरी है या नहीं है? जरूरी है. बाकी कोचिंग जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बहुत जरूरी है. बस थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और बहुत अच्छा लगा. एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा लगभग 49 मिनट का स्पीच हो चुका है जनगण मन को लेके, मतलब लगभग 50 मिनट हो गया, मैं 50 मिनट बोल लिया. कल आपका स्पीच सेमिनार होगा, ज्यादा मत बोलिएगा. अगर मैं अभी 15 मिनट खींच दूं तो आपके माथे में कीड़ा घुस जाएगा अंदर, और आप ये सोचेंगे अब्दुल्ला भाई बस करा, क्योंकि 15 मिनट अब आप मुझे नहीं झेल पाएंगे. स्पीच देने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंसान को पढ़ के इंसान के जैसी स्पीच दो. कल यही काम करिएगा आप, लंबा मत खींचिएगा. राइट गाइस, रेडी, गॉट, गेट रेडी. यस सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? यस, सो यू वांट टू से समथिंग? ओके, सो गेट रेडी, बी ओके, फील ओके. तो लास्ट में सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग. एवरीबॉडी, सब लोग बोलेंगे, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले अपने शस्त्र तू. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. चरित्र जब पवित्र हो तो है क्यों ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी. तू खुद की खोज में निकल, इसको इसको यहां से बोलना है. अजय सर ने आपको बताया होगा, तीन तरीके से बोलते हैं ना, एक हलक से बोलते हैं, जुबान से बोलते हैं, सीने से बोलते हैं, पेट से बोलते हैं. तो इसको सीने से बोलो, तू खुद की खोज में निकल, सीने से बोलो, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. चलिए एक मिनट और, एक मिनट और. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. एक बार अपनी जगह पे जंप कर जाएंगे, हल्का सा एक बार जंप कर जाएंगे, अपनी जगह पे हल्का जंप करो. देखो मसला क्या है ना,
अपनी उपस्थिति जाहिर करना जरूरी है, क्योंकि वो नीचे हम ऊपर है, तो नीचे वालों को लगना चाहिए कि हम ऊपर है। हाँ भाई ठीक है। राइट लाइन ओके अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? पांच लाइन सिर्फ बोलेंगे, उसके बाद आप लोग को मैनेजर सर कुछ बताएंगे, उसके बाद हम लोग विदा लेंगे और कल मिलेंगे। सर कल टाइमिंग दिए हैं क्या इन लोग को? हाँ अच्छा आप तो सब मिले हुए हैं पूरा एकदम। ओके ठीक है, ऑल राइट रेडी? यस सर। अब्दुल्ला हो या मुकेश हो, अब्दुल्ला हो या मुकेश हो, जीतू हो या जैस हो, हो रिधिमा हो या आशुतोष हो। मैं आप लोग का नाम ले रहा हूं, आई एम सॉरी, आप लोग मुझसे बड़े हैं। हो रिधिमा हो या आशुतोष हो, हो वीरेंद्र हो या विशाल हो, अमरजीत हो या दीपक हो, अल्ताफ हो या महिमा हो, ज्योति हो या अंशिका हो, हो रश्मि हो, हो रश्मि हो, हम सबसे पढ़ेंगे। देखो सबसे पढ़ना है, सबसे पढ़ना, आप अपने आप से वादा करें सबसे पढ़ें। हम सबसे पढ़ेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे, मुसीबत से लड़ेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, टीचर का सम्मान करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम करेंगे, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी मंजिल हूं, मुझे उंगली दिखा के बोलो हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको पहुंचना है, बोलो उंगली दिखा के बोलो, बस लास्ट मुझे उंगली दिखा, मुझे दिखा के बोलो, ये उंगली दिखा रहे हैं आज हम सिर्फ आगे। अरे मुझे दिखाओ यार, सीधे सीधे दिखाओ, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।